हेलो स्टूडेंट, मैं सर पवन राठौर। आज हम देखेंगे जो प्लांट फिजियोलॉजी पेपर है इसमें स्टेम के बारे में देखेंगे हम आज। इसमें हमने पहले देखा था रूट क्या होती है, जो कि पौधों के वनस्पतिक विवरण की अर्धतरणी की शब्दावली से संबंधित टॉपिक है। टर्मिनोलॉजी फॉर प्लांट डिस्क्रिप्शन इन सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में स्टेम, रूट, लीफ एंड इनफ्लोरेसेंस देखना है हमें। पहले हम रूट के बारे में देख चुके हैं कि रूट क्या होती है, रूट में मॉडिफिकेशन कैसा होता है, विभिन्न प्रकार के जो रूट्स हैं वो क्या है, रूट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखे हमने। आज हम देखेंगे स्टेम के बारे में, ठीक है। फोर जो है इसमें टॉपिक आएंगे, रूट, स्टेम, लीफ एंड इनफ्लोरेसेंस, पुष्प सूत्र। हम आज देखेंगे स्टेम के बारे में कि जो प्लांट डिस्क्रिप्शन यदि हम कर रहे हैं तो उसमें कुछ टर्म यूज करना है, तो वो टर्म कौन कौन सी है, ठीक है। इसमें स्टेम में देखेंगे हम, स्टेम बेसिकली जो है उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक सामान्य लक्षण देखेंगे स्टेम के क्या क्या होते हैं, ठीक। उसमें ब्रांचिंग देखेंगे हम, उसके अंदर बड्स जो है वो देखेंगे। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देखें स्टेम के, तो क्या होता है, रूट से जो भी फूड मटेरियल और वाटर है वह प्लांट के डिफरेंट टाइप के पार्ट्स में यह स्टेम जो है वो प्रोवाइड कराता है। अर्थात फल जो है वह, या बीज विभिन्न प्रकार के सीड की बात करें, या लीफ, ठीक, या फ्लावर, तो विभिन्न प्रकार के भागों में स्टेम के द्वारा जो होता है क्या होता है, ट्रांसलोकेशन, जिसको हम कहते हैं स्थानांतरण की प्रोसेस, जिसमें कि हमने मिनरल न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन जो देखा था वो सब चीजें स्टेम की जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। इसमें ब्रांचिंग देखें तो रेसिमोस साइमोस टाइप की होती है, इसको डिटेल से एक वीडियो के द्वारा मैं प्रोवाइड कराऊंगा। रेसिमोस एंड साइमोस ब्रांचिंग या ब्रांचिंग का प्रोटोकॉल है। टाइप्स ऑफ स्टेम, तो दो प्रकार के स्टेम बताए गए हैं, इरेक्ट एंड वीक, ऊर्ध्व तना और दुर्बल तना, अर्थात वीक तना। दो प्रकार के तनों पर यहाँ पर डिफाइन किया गया है। इरेक्ट तना क्या होता है, अर्थात जो स्ट्रेट फॉर्म में हम बात करें, या ठीक, इसमें जो इसके प्रकार है क्यूडेक्स, एक्यूरेंट।